अब सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं देश और विदेश की हर खबर जानने के लिए खबर पर नजर के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेस्टिवल के तौर पे बहुत सारी नई नई वेराइटीज लाए हैं, क्या आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या इंपोर्ट करके भी बताए? एक्चुअली मैं सारा चीज़ बाहर से लेकर आई हूँ और मेरी इस ज्वेलरी की मेन मतलब विशेषता ये है कि ये हाई गोल्ड, ये ज्वेलरी ब्लैक नहीं होती है और गोल्ड जो होता है उसकी कॉपी ही बनाई जाती है। अच्छा, पर काफ़ी बार देखने में आता है कि पानी वगैरह लगने से काफ़ी मतलब उनका डल जल्दी हो जाते हैं, इसको लेकर? नहीं नहीं, इसमें ये है और एक्चुअली क्या होता है कि जो मैं लेकर आई हूँ ये पार्टी वियर्स थी। अच्छा ठीक है, तो आप पहनेंगे और ऑब्वियसली आप कुछ भी चीज़ है तो उसको केयर करके रखेंगे। हाँ हाँ। तो ये उसमें होता ही। आप कब से कर रहे हैं? मेरे को अभी कुछ ही टाइम हुआ है लेकिन इतने बड़े लेवल पर केंद्रीय इकाई में मुझे मतलब लगा करके बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ तक आ पाई। और आपके इसके पहले भी आप लगा चुके कहीं हो? हाँ मैं लगा चुकी हूँ बहुत सारी जगह। कैसा रिस्पॉन्स रहा है, मतलब अभी तक आपका जो अनुभव क्या कहता है स्टॉलों को लेकर? अच्छा लगता है, मज़ा आता है, नए नए लोगों से मिलना होता है, नया कुछ एक्सपीरियंस होता है। आपका शुभ नाम बताए? आपका शुभ नाम? मेरा नाम पीयूषा ओसवाल, पाशना क्रिएशन से है मेरा। थैंक यू। बताइए आपने यहाँ पर स्टॉल लगाया, क्या है विशेषता है आपके प्रोडक्ट लेकर कुछ बताइए? सारे सर एगलेस प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी है हम लोग की, इसमें गुरमे कुकीज़ हैं, केक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, ट्रूफल्स हैं, रैगीज़ हैं, ड्राई फ्रूट की, बादाम, काजू है। क्या इसके पहले भी आप कहीं अलग अलग मतलब फेस्टिवल में स्टॉल लगा चुके हैं? हाँ लगाते रहते हैं हम लोग और करीब करीब एक साल से हमारा ये ब्रांड चल रहा है। क्या शुभ नाम आपके ब्रांड का? पैकेजिंग लॉन्च करी है बटर बैटर के नाम से और काफ़ी सारे गुरमे स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, अर्बन ग्रोसर्स वगैरह पे आपको स्टोर्स पे भी मिलेगा। आपका शुभ नाम बताएं? मेरा नाम पलक जगवानी है। बताइए आप यहाँ पर फेस्टिवल में आए, आपको यहाँ पर नई नई चीज़ें देखने को मिली, क्या कहेंगे उसके बारे में? शुरुआत है, मैं स्टोर देख रहा हूँ लेकिन जो क्रिएटिविटी रहती है ये उमंग मेला कई सालों से लग रहा महिला संघ के द्वारा, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात है महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाती है और पूरे शहर का जो है आवागमन यहाँ होता है और नई नई चीज़ें, और क्योंकि दिवाली का मौका है तो सबकी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। आपका शुभ नाम बताएं? यशवंत जैन। बताइए आप यहाँ पर फेस्टिवल में आए हैं और क्या नए प्रोडक्ट लेकर आए आपकी तरफ? नए प्रोडक्ट्स में तो हम लोग हैं जामनेर के, हमारे सुप्रसिद्ध हैं पापड़ जो कि जामनेर से तकरीबन समूचे देश में जाते हैं,
और जामनेर का नाम है, जामनेर के पानी की वजह से उस पापड़ का जो स्पेसिफिक टेस्ट है। जामनेर में तकरीबन रोज का 10 से 12 टन पापड़ बनता है जो बाहर जाता है और पूरा एडवांस बुकिंग में जाता है। तो उन चीज़ों का स्वाद इंदौर वालों को देने के लिए हम लोग यहाँ आए। वैसे हमारे यहाँ नागी रागी के पापड़ हैं जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। हमने साथ ही में चकली मिक्स लिया है, दिवाली का सीज़न है, चकली बनाने में परेशानियाँ होती हैं तो थोड़ा फास्ट बन जाए इसलिए। थाली पीठ महाराष्ट्र का स्पेसिफिक आइटम है, उसका हमने मिक्स लिया है, चटनी है। आप इस बिजनेस में कितने समय से? हम लोग इस बिज़नेस में तकरीबन 6 से 7 सालों से हैं और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या इंदौर में आप पहली बार आए? इंदौर में हम 2 साल पहले आए थे, जब नक्षत्र में एक बार हुआ था तब से, और छोटे पैमाने पे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस एग्जीबिशन से हम लोगों को आशा है कि हम पूरी तरीके से मध्य प्रदेश का काम शुरू कर सकें और अपने बेकरी प्रोडक्ट। आपका शुभ नाम बताएं? मेरा नाम राहुल सावत्रा है और रासाज हमारा ब्रांड है, आशापुरा फूड्स एंड बेवरेजेस ये नाम से हमारी फर्म। थैंक यू। बताइए, आप यहाँ पर स्टॉल पर आए हैं, आपको नया आपने स्टॉल लगाया, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या वैरायटी है? इसमें अलग अलग वैरायटीज है, आईज के लिए है, लिप्स के लिए है कलेक्शन जो कि, और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। बाहर अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही कम रेंज में सारे प्रोडक्ट्स 250 के अंदर है, तो आपको बिल्कुल महंगा नहीं पड़ेगा। इवन अब दिवाली हैम्पर है तो आपको सारे प्रोडक्ट्स 800 में मिल जाएंगे। और क्या विशेष डिस्काउंट दिया जा रहा है स्टॉल पर आपकी तरफ? हाँ, फ्लैट 10% का डिस्काउंट है सारे प्रोडक्ट्स में। आप कब से कर रहे हैं बिजनेस? मुझे 2 साल हो गए। आपका शुभ नाम बताएं? मेरा निशी जैन। बताइए, आप यहाँ स्टॉल पर आए, क्या वैरायटी लेकर आए? नहीं कुछ मेरे को बोलना नहीं आता। बताइए, आप स्टॉल पर आए हैं, क्या नई वैरायटी लाए? केवलम के नाम से आपका जो ब्रांड है, केवलम बॉडी एंड सोल के नाम से हमारा ब्रांड है, हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं हमारे इसमें, तो ओवरऑल हेल्थ आपकी जो होती है, और योगा सेंटर भी है एक्चुअली में केवलम बॉडी एंड सोल, तो योगा यहाँ पर। दिवाली विशेष डिस्काउंट दिया जा रहा है? दिवाली डिस्काउंट है, आज का मंडे ऑफर भी है, शॉपिंग के ऊपर ऑफर है 40 से 50%। हेयर केयर के सारे प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू है, हेयर ऑयल है, हेयर सीरम्स हैं, अलग अलग तरह के शैम्पू है। आपका शुभ नाम बताएं? मेरा नाम डॉक्टर नीना जैन है, मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ और योगा सेंटर भी चलाती हूँ केवल। ये अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ 2011 से उमंग दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल करते आ रहा है, और आज समग्र समाज की महिलाओं के लिए जैन समाज की महिलाएं ने, हमारे हम लोगों ने लगाया है इसमें, हर समाज की महिला ने भाग लिया है, जो छोटे उद्योग भी करती हो चाहे बड़े करती हो। छोटे उद्योग वालों को हमने सहयोग करके नॉमिनल चार्जेस में यहाँ स्टॉल दिया है। हमारी एक ही भावना है कि सबकी दिवाली लॉकडाउन के बाद इस साल बहुत अच्छे से मने और सब खुश होकर यहाँ से जाए। और ये विभिन्न स्टॉल है, इसमें साड़ियों से लेके कपड़ों से लेके मिर्ची, जो हाथ से घट्टी से पीसी हुई मिर्ची, हल्दी, धनिया से लेके डायमंड ज्वेलरी से लेके पापड़, बड़ी, ये सारी स्टॉल है। और इस तरह का हमारा ये आयोजन हर साल होता है, और यहाँ ये सेंटर प्लेस रहती है अभय प्रशाल, इसलिए यहाँ इस साल यहाँ किया है, नहीं तो पहले YC में करते थे, परंतु बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छा विभिन्न तरह के स्टॉल है। किचन की छोटी छोटी चीजें जो महिलाओं को लगती है वो सारी चीजें यहाँ मिलेगी, हर चीज जो हम खरीदना चाहते हैं बच्चों से लेके बुजुर्ग तक एक ही छत के नीचे एवरीथिंग मतलब यहाँ अवेलेबल है, आप चाहे जो खरीद सकते हैं। या हमारे अध्यक्ष निशा जी सब, उद्देश्य है कि हमारे जो मोदी जी का उद्देश्य है कि सभी सक्षम बने, सबका साथ सबका विकास, वही हमारा उद्देश्य है, सबको साथ लेके चलना, छोटा हो या बड़ा, हर एक की दिवाली इस साल अच्छी बने। 104 स्टॉल है और 104 स्टॉल उसमें कुछ बड़े भी हैं, इसमें लगभग हमने कम से कम 104 स्टॉल के मालूम से 200 महिलाएं एक एक स्टॉल पे दो दो को भी दिया है।
इसमें उनको काम मिला है और वो अपने आगे बढ़ेगी। मैं रेखा जैन, संस्थापक अध्यक्ष, ये हमारी अध्यक्ष निशा जी संचित। ये फेस्टिवल कब से कब तक चलने वाला है आपका? ये शनिवार रविवार दो दिन का फेस्टिवल है और महिलाएं जो घर से काम करती है उनको आगे बढ़ाने का हमारा उद्देश्य रहता है। जो जैन समाज की और अदर कास्ट की जो भी महिलाएं, अपने कोरोना काल में बहुत सारे पुरुषों के बिजनेस बंद हो गए तो उन लोगों ने घर चलाए, महिलाओं ने घर चलाए और उनका लघु उद्योग को बढ़ावा मिलना हमारा लक्ष्य है। और इससे थोड़ा बहुत भी जो प्रॉफिट होगा, हम इंदौर में जितने भी ब्लाइंड स्कूल है उन सबके हम लोग शिविर लगा रहे हैं। दो दो तीन तीन शिविर हमारे हो चुके हैं और उसके बाद जो जो ब्लाइंड बच्चे एकदम नहीं देख पाते उनको कॉर्निया लगवा के ऑपरेशन करवाएंगे राजीव चौधरी के द्वारा। तो हमारा जो अर्निंग है वो मानव सेवा में खर्च करेंगे हम, ऐसा हमारा लक्ष्य। मैं निशा संचित।